conjugate acid. An acid which is produced when a base gains a proton is called a conjugate acid. कॉन्जुगेट एसिड क्या है? जब कोई बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो जो प्रोडक्ट हमें हासिल होती है दैट इज़ कॉल्ड अ कॉन्जुगेट एसिड. और एक और डेफिनेशन भी है, अ कॉन्जुगेट एसिड इज़ अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस. कि कॉन्जुगेट एसिड वो स्पीशी है जिसकी फॉर्मेशन हो जाती है जब कोई बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो हासिल होने वाली प्रोडक्ट क्या कहलाती है? दैट इज़ कॉल्ड अ कॉन्जुगेट एसिड. और कॉन्जुगेट एसिड के बाद हम क्या डिफाइन करेंगे? वी विल डिफाइन द कॉन्जुगेट बेस. अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्जुगेट बेस. कॉन्जुगेट बेस क्या है? अ बेस इज विच इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन एन एसिड लूजेज अ प्रोटॉन कॉल्ड अ कॉन्जुगेट बेस. जब कोई एसिड अपना प्रोटॉन लूज कर देता है तो हासिल होने वाली प्रोडक्ट क्या कहलाती है? कॉन्जुगेट एसिड. इससे हमें पता चला कि कॉन्जुगेट एसिड और बेस एक दूसरे से सिर्फ एक प्रोटॉन के डिफरेंस पर हैं. जब कोई एसिड अपना प्रोटॉन लूज कर देता है तो वो क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट बेस बन जाता है. और जब कोई बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट एसिड. अ कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस. यानी एक से ज़्यादा तरीकों से हम डिफाइन करें. वंस अगेन वी आर रिवाइजिंग द सेम डेफिनेशन. कौन सी? HCl इज एन एसिड विच रिएक्ट विद वाटर एज अ बेस. यहाँ पे अभी हमने कहा कि जब कोई एसिड अपना प्रोटॉन लूज कर देता है तो क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट बेस. और जब कोई बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या बन जाता है? दैट इज़ कॉल्ड अ कॉन्जुगेट एसिड. यानी कॉन्जुगेट एसिड और बेसिस जो हैं वो एक प्रोटॉन के डिफरेंस पर हैं. जब कोई एसिड अपना प्रोटॉन लूज करे तो क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट बेस. और जब कोई बेस प्रोटॉन को गेन कर लेता है तो क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट एसिड. ये रिएक्शन जो आप देख रहे हैं इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल वो रिएक्शन होते हैं विच टेक्स प्लेस इन फॉरवर्ड एज वेल एज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन. इन द फॉरवर्ड रिएक्शन HCl इज एन एसिड. वाई? बिकॉज इट डोनेट्स अ प्रोटॉन. वेयर एज वाटर इज अ बेस एज इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन. वाटर क्या है? वाटर एक बेस है. क्यों बेस है? क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है. इन द रिवर्स रिएक्शन, अब आप देखें प्रोडक्ट बन गई. इन द रिवर्स रिएक्शन क्लोराइड आयन इज अ बेस एज इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन. अब आप क्लोराइड को देख रहे हैं, वो सलाहियत रखता है एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की फ्रॉम एन एसिड. उसके साथ एसिड कौन सा है? H3O पॉजिटिव आयन. क्लोराइड आयन इज कॉल्ड अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl एंड H3O पॉजिटिव आयन इज अ H3O पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड अ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अ बेस. कौन सा बेस था हमारे पास? वाटर. इट मींस एवरी एसिड प्रोड्यूस अ कॉन्जुगेट बेस एंड एवरी बेस प्रोड्यूस अ कॉन्जुगेट एसिड. बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि हर एक एसिड जो है वो क्या करता है. इट मींस एवरी एसिड प्रोड्यूसेस अ कॉन्जुगेट बेस एंड एवरी बेस प्रोड्यूसेस अ कॉन्जुगेट एसिड. इसे हम ये बात सीखते हैं. हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ब्रांस्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं. और ब्रांस्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है कि एसिड्स वो हैं जो प्रोटॉन डोनर हैं, बेसिस कौन हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं. तो जब एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो क्या बन जाता है? दैट्स कन्वर्टेड इनटू कॉन्जुगेट एसिड. और जब बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ कॉन्जुगेट एसिड. तो दैट सच दैट देर इज़ अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. तो दोनों क्या बना देते हैं मिलके? बोथ आर कन्वर्टेड इनटू द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. दोनों क्या बनाते हैं? बाय द डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एसिड बेस पेयर. कॉन्जुगेट मीन्स ज्वाइंट टुगेदर एज पेयर. कॉन्जुगेट के क्या मीनिंग्स है? ज्वाइंट टुगेदर एज पेयर.